टीम इंडिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम और वहां की मीडिया की नजर इंदौर की पिच पर है, क्योंकि पहले दो टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जिस तरह आउट हुए वो दिखाता है कि पिच के टर्न लेने का डर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के दिमाग में बैठ गया है। इसीलिए कई बल्लेबाज तो सीधी गेंदों पर भी विकेट गिफ्ट कर गए। अब इन दो टेस्ट मैच में पिच का बर्ताव कैसा होगा, सबसे ज्यादा रोमांच इसी बात को लेकर है। हालांकि मैच से दो दिन पहले पिच की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर कई प्रो क्रिकेटर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पहले दो टेस्ट मैचों से बेहतर पिच बल्लेबाजी के लिए हो सकती है और हो सकता है इस बार टेस्ट मैच ढाई दिन में खत्म ना हो। इंदौर में पिच को लाल मिट्टी से तैयार किया गया है जो मुंबई से मंगाई गई है, यानी पिच में ज्यादा उछाल हो सकता है और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये भी है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि कैमरून ग्रीन के अलावा स्टार्क भी नेट प्रैक्टिस में गेंदबाजी करते दिखाई दिए। लाल मिट्टी की पिच तेज गेंदबाजों की मददगार मानी जाती है, ऐसे में स्टार्क की वापसी ऑस्ट्रेलिया के लिए मजबूत पहलू हो सकता है। हालांकि जब उछाल के साथ गेंद टर्न करती है तो स्पिन गेंदबाज और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। क्या जडेजा और अश्विन की जोड़ी के खौफ से बाहर निकलते हुए ऑस्ट्रेलिया इंदौर में वापसी कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।